वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन दिस, अब मेन मेन पहले मैं टॉपिक बोलती हूँ इन दिस चैप्टर, कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, बिकॉज यू हैव डन दिस चैप्टर सो मेनी टाइम्स, आई हैव रिवाइज सो मेनी टाइम्स, और ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये चैप्टर अब टिप्स पे है, मुझे पता है वो एक भी सिंगल मिस्टेक भी बच्चे अब नहीं करते, बट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्हें अभी भी नहीं आता, अभी भी कुछ टॉपिक्स नहीं आते, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लर्न इट। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स की तरह, जैसे आपके नंबर कम आए ना अपने फ्रेंड्स की तरह बनो, ठीक है, उनको कैसे लर्न होगा, बिकॉज दे लिसन इन द क्लास वेरी केयरफुली ना, यही रीजन होएगा ना। तो इन दिस चैप्टर यू हैव रेड अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एंड अबाउट दीज थ्री ऑर्गन्स यू हैव रेड इन डिटेल। ये तीनों ऑर्गन जब आप डिटेल में कर लेते हो ना तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब पेपर जिसने भी बनाना, उसने एक को किसी भी एक ऑर्गन को लेके पेपर बना, किसी भी ऑर्गन में से क्वेश्चन डाल देना, ए सेट को किसी ऑर्गन में से डाल देना, बी को किसी में से डाल देना, ऐसे ऐसे ही होता है। तो इन फर्स्ट आप पढ़ते हो जैसे लेजिस्लेचर, लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया, पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर में आप क्या क्या पढ़ते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अबाउट टू हाउसेस इन अवर कंट्री, देयर इज विच टाइप ऑफ पार्लियामेंट, यूनिकैमरल और बाइकैमरल, बाइकैमरल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन इंडिया हैविंग टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर आपको इसमें से वो क्वेश्चन देंगे तो ये दे सकते हैं डिफ्रेंशिएट लोकसभा एंड राज्यसभा, तो यू कैन डू इट। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा में आप बता सकते हो हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा में हाउस ऑफ काउंसिल्स, लोकसभा में आप कह सकते हो कि पीपल वर एट द एज ऑफ 25 और अबव कैन कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन, उधर 30 और अबव, ठीक है। फिर टेन्योर आप बता सकते हो, फिर स्पीकर और उधर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बता सकते हो, इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इस वजह से आप, और साथ में टू मेंबर्स इन लोकसभा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, वेयर एज इन राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर्स, 12 मेंबर्स, 12 members are nominated by President in Rajya Sabha. So this is about differentiate. इसके बाद आपका जैसे आप next topic बोल लूँ इसी में से, तो वो बन जाता है which house is powerful and why. तो कौन सा हाउस पावरफुल है, तो हम कहेंगे लोकसभा इज द पावरफुल हाउस। तो क्यों अपर हाउस होके भी राज्यसभा पावरफुल नहीं है, अपर हाउस हम किसको कहते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, बट राज्यसभा इज नॉट द पावरफुल हाउस, विच इज द पावरफुल हाउस। अब आपको उसे जस्टिफाई करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको तीन नंबर में आ जाए या पांच नंबर में आ जाए तो ये आपको जस्टिफाई क्यों लोकसभा इज द पावरफुल हाउस। तो आपने पहले तो बताना है रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल, तो आप कहोगे ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउस। फिर आप बताओगे क्लैशेस अकर व्हाइल पासिंग दिस बिल, ऑर्डिनरी बिल को पास करते वक्त अगर झगड़ा हो जाए, क्योंकि किसी भी हाउस में होता है एक हाउस पास करता है दूसरे हाउस को उसे अप्रूवल देनी पड़ती है, बट इफ क्लैशेस अकर व्हाइल पासिंग दिस ऑर्डिनरी बिल Then, फिर स्पीकर क्या बुलाता है, ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस। अब उसमें वो वोटिंग होती है बिल को लेके, एंड डिसीजन ऑफ मेजोरिटी प्रिवेल, जो भी जिस फेवर जिस तरफ मेजोरिटी जाती है वो डिसीजन वो फाइनल कर देते हैं। अब आप अपने आप ही सोचो इन विच हाउस देयर इज मेजोरिटी, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ मेंबर जो है एट प्रेजेंट 545 है, वेयर एज इन राज्यसभा नंबर ऑफ मेंबर्स कितने 543, लोकसभा राज्यसभा में मैं कितने कहती हूँ 250, वैसे लोकसभा में 550, तो कहीं पर टू मेंबर्स प्रेजिडेंट की तरफ से हो जाता है तो 552, तो एट प्रेजेंट 543 मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स लोकसभा में ज्यादा है, तो डिसीजन ऑफ लोकसभा ऑलवेज प्रीवेल्स। सेकंड, फिर ये बिल किसके पास जाता है, प्रेजिडेंट। अभी ये बिल है, लॉ नहीं बना, तो किसके सिग्नेचर के बाद ये बिल लॉ बन जाता है, देन दिस बिल इज सेंड टू प्रेसिडेंट, एंड आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट दिस बिल बिकम्स लॉ। एक तो ये हो गया, इसमें हमने सारे प्रोसेस में देखा कि लोकसभा इज द पावरफुल हाउस। अब सेकंड है रिगार्डिंग मनी बिल, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस, अब इसमें तो सिर्फ राज्यसभा के पास तो जाना ही नहीं है, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आप प्रायर इंफॉर्मेशन प्रेजिडेंट को पहले से इन्फॉर्म कर दिया, लोकसभा ने इस बिल को पास करके किसको भेजना है, राज्यसभा, राज्यसभा उसमें डिले भी कर लेती है 14 days, और राज्यसभा कैन गिव इट सजेशंस, वो अपनी सजेशंस भी देती है डिपेंड अपॉन द विश ऑफ लोकसभा टू फॉलो और नॉट।
वो सजेशन उसकी मर्जी है, वो फॉलो करे चाहे ना करे. देन दिस बिल इज सेंड टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट इमीडिएटली बिकॉज उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो प्रेसिडेंट इसे डिले नहीं करते. तो इट मीन्स इस प्रोसेस में भी विच हाउस पावरफुल लगा आपको? लोकसभा. अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज के हाउस ऑफ पीपल भी है एंड इन इंडिया पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल. फिर कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. तो लोकसभा जो है हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है दैट इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट. इफ लोकसभा पासेस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देन प्राइम मिनिस्टर विद हिज टीम हैज टू रिजाइन. तो इट मीन्स लोकसभा इज द पावरफुल हाउस. तो ये तीनों बातें चारों उसको क्या बनाती हैं? पावरफुल हाउस. इसी में एक और क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया राइट इट्स पावर्स. अब वो कौन सी है लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी? पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट के आपको पावर्स लिखनी है तो आपको क्योंकि पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन यूनियन लिस्ट. इट ऑल्सो मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन कॉन्करेंट लिस्ट विद स्टेट के साथ मिलकर बनाती है. फिर आप बताओगे इट इंजॉयज रेजुडरी पावर्स, वो भी पार्लियामेंट के पास ही है. रेजुडरी पावर्स आर ऑल्सो इंजॉयड बाय पार्लियामेंट. फिर आप बताओगे कि पार्लियामेंट जो है कंट्रोल द नेशनल फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री. तो गवर्नमेंट कैन नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट. एनुअल बजट इज पास बाय पार्लियामेंट. तो सारा आप बताओगे. पार्लियामेंट कैन टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेती है. और फिर आप बताओगे हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस. इट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस. तो फिर साथ में आप पार्लियामेंट के फंक्शंस में भी ये भी कहोगे कि इंडिया वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट. इफ इट पासेस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देन प्राइम मिनिस्टर विद हिज टीम हैज टू रिजाइन इमीडिएटली. क्योंकि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. नो डाउट यूएसए इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री. But what's the difference between USA and India? USA में presidential form of government है, हमारे यहाँ पे parliamentary form of government है. तो is it clear? हमारे यहाँ पे parliamentary है, वहाँ पे presidential है. बस ये फर्क है. तो next, अगर इतना कर लिया means one organ legislature is completed. Is there is any problem in the first organ? Legislature में यही question बनते हैं. Which is the powerful house? Differentiate Lok Sabha, Rajya Sabha, and which is the largest law making body in India? Right. Its powers. Can you write? तो इतना सब कुछ आना चाहिए आपको. नेक्स्ट आ जाओ आप एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आप बताओगे कि एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है. लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर आर इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव. वो से एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है. तो एग्जीक्यूटिव इज ऑफ टू टाइप्स. कितने तरह की है? एक तो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. आप मुझे इतना बताओ कि प्राइम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ विच एग्जीक्यूटिव? चीफ मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स आर द पार्ट ऑफ. वेरी गुड. तो इनमें से हम खुद ही कहते हैं कि नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अवर पॉलिटिशियंस. तो इट मीन्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है. वो सिर्फ एक टेन्योर के लिए आए. उनका टेन्योर कितना होता है? 5 years. पावर्स कौन इंजॉय करता है, परमानेंट और पॉलिटिकल? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर्स होती है. अगर हम बात करें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव को डिफरेंशिएट करना, तो यू कैन डू लाइक दिस. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होती है वो उसका टेन्योर होता है 5 years. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है बट दे इंजॉय पावर्स. उनके हाथ में पावर्स होती है, ठीक है. फिर उधर आप कहोगे कि ये बहुत एजुकेटेड पीपल होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव का, इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट है. वेरी क्वालिफाइड पीपल, वेल क्वालिफाइड पीपल होते हैं, एक्सपर्ट इन देयर फील्ड. अगर ये रेलवे डिपार्टमेंट में है तो इनको प्रॉपर नॉलेज अबाउट द रेलवे डिपार्टमेंट. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कई बार अपने फील्ड की कोई नॉलेज नहीं होती. दे आर सपोर्टेड बाय, इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा होता है पीछे से? परमानेंट एग्जीक्यूटिव. क्योंकि किसी को कोई भी मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होती है किसी को कौन सा मिनिस्टर बनाना. अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स फिर उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट अलॉट करने होते हैं डिपेंड अपॉन द विश ऑफ प्राइम मिनिस्टर.
अब उनकी हेल्प के लिए पीछे पूरा डिपार्टमेंट होता है, वो कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर्स, फर्टिलाइजर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज, रेलवे मिनिस्टर जो सिविल सर्वेंट्स है प्रॉपर नॉलेज अबाउट देयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर सिविल सर्वेंट्स प्रॉपर नॉलेज, वो मीन्स मिनिस्टर्स को कई बार नॉलेज नहीं होती बट सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड, दे हेल्प द ministers in their day to day functioning, they are well qualified, they have proper knowledge about their field, but they do not enjoy political power because power remains in the hands of kyunki unko logon ne chuna, political executive ko power kyun di, kyunki unhe power mein kaun laaye hain, log through elections, and we are living in a democratic country and in democracy powers are in the hands of पीपल, जो लोग अपने आप वेल क्वालिफाइड आगे आए हैं उनको पावर्स नहीं दी इन्होंने, वो सिर्फ अपना काम से मतलब रखते हैं, पावर्स इन्होंने उन्हीं को दी है हमारी कंट्री ने, दोज हु आर इलेक्टेड बाय पीपल, दोज हु आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, पावर्स उन्हीं को दी है क्योंकि वो लोगों ने उनको अपने बिहाफ पे वर्क करने के लिए भेजा, पीपल सिलेक्ट दम, लोगों ने उन्हें सिलेक्ट किया कि हमारे बिहाफ पे आप काम करो, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सबसे पहले तो हम कहेंगे कि बड़ी सी कंट्री है, पॉपुलेशन ज्यादा, इट्स नॉट इजी फॉर द पीपल टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस, तो लोग इकट्ठे डिसीजंस नहीं ले सकते, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट कर लेते हैं कि हमारे बिहाफ पे ये डिसीजंस लेंगे, तो इसलिए उन्हीं को पावर दी हुई है जिनको लोगों ने अपॉइंट किया, दे आर अपॉइंटेड नॉट बाय द गवर्नमेंट, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, उन्हें लोग पावर मिला है इसलिए उनको पावर्स मिले, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में इसलिए पावर है, ठीक है, तो वो तो आपको पता ही है उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ने किसी के साथ इनजस्टिस नहीं किया, अगर पर्सन इलिटरेट है तो उसके पास प्रॉपर नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स है तो उसके पास राइट है, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, बस वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपने फील्ड में, पॉलिटिक्स में उसको नॉलेज होनी चाहिए, डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए, देन ही और शी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये नहीं है कि वो एजुकेटेड भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है हमारी कंट्री में, तो एग्जीक्यूटिव इज ऑफ टू टाइप्स, इसके बाद आपके आ जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अगर हम बात करें हेड है तो वो है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारी कंट्री में अनस्टेबल है टू पार्लियामेंट, वो सारा बताओ, फिर आप बताओगे कि इसमें इनर विंग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का दैट इज कैबिनेट, कैबिनेट में एट प्रेजेंट हम ये भी नहीं कहेंगे कि 20 नियर अबाउट 30 वेरी करता नंबर ऑफ मेंबर्स, तो दीज आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स टू प्राइम मिनिस्टर एंड हैव, अगर हम कहें कि बिगेस्ट डिपार्टमेंट, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं ना कंट्री के, मेजर डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री इनके हाथ में होते हैं, एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स टेक मेजर डिसीजन फॉर द कंट्री, यही लोग मेजर डिसीजन लेते हैं, इनके पास ही हम कहें मेजर डिपार्टमेंट है कंट्री के, तो वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर, और इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं कैबिनेट की मीटिंग्स, एंड इनका कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो हेड है दैट इज प्राइम मिनिस्टर, तो और इन्होंने क्या किया हुआ है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं दे आर अनस्टेबल फॉर द डिपार्टमेंट अलॉटेड टू देम, बट दे अटेंड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट इफ दे आर इन्वाइटेड, अगर कैबिनेट इनको नहीं इनवाइट करती तो ये मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, सिर्फ अपनी स्मॉल मिनिस्ट्रीज को एंजॉय करते हैं, एंड दे आर अनसरेबल फॉर द डिपार्टमेंट अलॉटेड टू देम, इसके लिए अनसरेबल होते हैं, फिर डिप्टी मिनिस्टर्स सिर्फ हेल्प करने के लिए होते हैं किनको, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, तो इस वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बांटा गया 60 to 85 तक, कई बार इसका नंबर होता है वेरी करता होता है नंबर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसके अगर आ जाए तो आपको इस वजह से लिखना है, देन फिर आपके बन जाते हैं इसी में से कि हु इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कौन है, अगर उस पावर्स आ जाए राइट हिज और हर पावर्स, हु इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट हिज और हर पावर्स, तो वो आपने इसकी पावर्स लिखनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही बताओगे प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, फिर आप पावर्स में बताओगे कि ऑल द पावर्स are enjoyed by prime minister in our country under the name of president, so fir aap batao major jo bhi decisions hain, fir yahan batao ke treaties with other countries ya aur bhi koi agreement sign karne hain foreign tours, ye sab kaun karta hai, prime minister under the name of president, so prime minister suggests the name, pe pehle to leader of majority party lok sabha hota hai na, he is appointed as prime minister by the
president. Then he suggests the name of some ministers, cabinet minister and other minister, council of ministers, the name suggests karta to president. And he allots the department. कौन अलॉट करता है डिपार्टमेंट? प्राइम मिनिस्टर टू द मिनिस्टर्स. तो कई बार वी कैन चेंज द डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्टर्स, ही कैन डिसमिस द मिनिस्टर्स आल्सो. ये सारी पावर्स उसके पास हैं. और ये कैबिनेट का हेड होता है, लीडर ऑफ द कैबिनेट कौन है? प्राइम मिनिस्टर. तो इस वजह से आप उसकी सारी पावर्स बताओ प्राइम मिनिस्टर की. नेक्स्ट आपका रहता है हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. और फिर आपने उसकी पावर्स लिखनी. अगर पहचानोगे गलत तो आंसर भी गलत होगा. हेड ऑफ द स्टेट या कंट्री कौन है? एंड ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री. पता ना, ही इज नॉमिनल हेड, नाम आकर के बराबर अगर हम कहें तो क्योंकि उसके नाम के अंडर सारी पावर्स कौन इंजॉय कर रहा है. व्हाई देयर इज डिफरेंस? व्हाट व्हाई नॉट प्रेजेंट? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, नो डाउट लोग उसे डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं लीडर ऑफ मेजोरिटी, जो पार्टी अपनी मेजोरिटी शो करती है ना इन लोकसभा, उसका लीडर होता है, इज द लीडर ऑफ दैट पार्टी. तो कौन लोग लाते हैं मेजोरिटी? पार्टी कैसे बन जाती है? किस जो ज्यादा जिसको मैक्सिमम नंबर हो सीट्स मिल जाती हैं लोकसभा. तो सीट्स कैसे मिलेंगी? थ्रू इलेक्शन. इट मीन्स कौन लेके आए पावर में थे? लोग लेके आए. तो प्रेसिडेंट की तो इलेक्शंस में हम पार्टी नहीं लेते. तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पे सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हाथ में. नेक्स्ट, प्रेसिडेंट की अगर पावर्स आपको पूछे तो आपको कितना, सबसे पहले तो उसका सारा नॉमिनेशन वाला बता दो कि वो किस किस को नॉमिनेट करता है. सबसे पहले तो अभी हमने कहा था कि लोकसभा के 2 मेंबर्स, राज्यसभा के 12 मेंबर्स. फिर आपने खुद ही पढ़ा इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, अम्बेसिडर्स टू फॉरेन कंट्री, चीफ जस्टिस, अदर जजेस ऑफ द कोर्ट, सब कुछ प्रेसिडेंट. एंड लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट. ये सारी उसकी पावर्स है. फिर आप बताओगे बिल, जो बिल होता है उसकी, ये अगर हम कहें फाइनेंशियल पावर, तो मनी बिल उतनी देर लॉ, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट. नो बिल बिकम लॉ विदाउट द सिग्नेचर ऑफ, उसके सिग्नेचर के बिना बिल रह जाते हैं, वो लॉ नहीं बनते. तब तक लॉ नहीं बनते जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होते, वो बिल ही रह जाते हैं. तो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस विद द प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ. उसकी जुडिशियल पावर क्या है? ही कैन चेंज समटाइम्स द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी. रियर केसेस कैन गो टू प्रेजेंट. कई बार वो डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देता है, कई बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट ओवर रिड्यूस कर देता है किसी पर्सन की, डिपेंड अपॉन द विश ऑफ प्रेजेंट. प्रेजेंट कैन, बट रियर केसेस कैन गो टू प्रेजिडेंट. उसकी जुडिशियल पावर में आप कह सकते हो. फिर आप कहोगे कि उसकी वो एमरजेंसी पावर्स भी इंजॉय करता है. और एमरजेंसी पावर्स 3 है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इमरजेंसी, देन स्टेट इमरजेंसी, देन फाइनेंशियल. नेशनल में कौन से हमारे राइट सस्पेंड हो जाते हैं? एंड अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी, तो उसमें कौन डिसॉल्व हो जाती है? एंड हु इशू ऑर्डिनेंसेस? प्रेसिडेंट. कौन ऑर्डिनेंसेस इशू करता है? प्रेसिडेंट. ऑर्डर्स इशूड बाय प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो कौन चलाता है सब कुछ? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंसेस. ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? ऑर्डर्स इशूड बाय प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो कौन ऑर्डर्स इशू करता है? प्रेसिडेंट. फिर स्टेट इमरजेंसी में हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है एंड प्रेसिडेंट रूल आ जाता है उस स्टेट में. ठीक है. फिर अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सच एज चीफ जस्टिस, अदर जजेस. इन लोगों की सैलरीज भी रिड्यूस हो जाती है, सोचो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो दीज आर द पावर्स एंजॉयड बाय प्रेसिडेंट. सबका टेन्योर कितना? प्राइम मिनिस्टर है चाहे वो प्रेसिडेंट है, टेन्योर इज 5 ईयर्स. परमानेंट एग्जीक्यूटिव का टेन्योर होता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का टेन्योर कितना? परमानेंट एग्जीक्यूटिव की एज हो रिटायरमेंट होती है. तो दिस इज अबाउट द टोटल. अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव, अब लास्ट ऑर्गन जो है दैट इज जुडिशरी.
तो इसमें अगर हम बात करें जुडिशरी के टॉप लेवल पे कौन है, मिडल, लोअर, सबोर्डिनेट कोर्ट्स। सबोर्डिनेट कोर्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कौन सी, सिविल एंड क्रिमिनल। कौन सी प्रॉपर्टी केसेस कौन सी कोर्ट में जाते हैं, मर्डर, थेफ्ट, क्रिमिनल। कोर्ट ऑफ सेशन जज कौन सी है, क्रिमिनल। कोर्ट ऑफ सेशन जज क्रिमिनल। चलो इतना आ गया। नेक्स्ट अगर आपको आए तो आप मुझे बताओ कि इन अवर कंट्री जुडिशियल इज इंडिपेंडेंट, डू यू अग्री? कैसे हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट है, बिकॉज अवर इन अवर कंट्री जजेस कैन गिव देयर डिसीजंस। सबसे पहले हम बताएंगे इंडिपेंडेंट जुडिशियल इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स स्ट्रेंथ एंड इट्स बेसिक फाउंडेशन। तो क्योंकि जुडिशरी के डिसीजन चेंज ना तो प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, ना ही प्रेजिडेंट, ना ही रूलिंग पार्टी कोई इसके डिसीजन को चेंज। आपने पढ़ा ही था वो कौन सी कंट्री में, मैक्सिको के, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे आपने पढ़ा कि कैसे जुडिशरी के डिसीजन को प्रेजिडेंट चेंज कर देता है। पढ़ा सऊदी अरेबिया में जुडिशरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मोनार्क। हिटलर ने अपने अंडर नहीं की थी जुडिशरी जब वो डिक्टेटर बना था। तो हमारी कंट्री ना तो डिक्टेटरियल है ना ही मोनार्की है, तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो हमारी कंट्री में जजेस के डिसीजन चेंज होंगे? नो, जजेस के डिसीजन कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इट मीन्स जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। फिर जजेस के ऊपर कोई आउटर प्रेशर नहीं होता, तभी वो इंडिपेंडेंट वे से डिसीजन लेते हैं। वंस अपॉइंटेड एज जज इट इज नॉट ईजी टू रिमूव द पर्सन। अगर उनको ये डर होगा ना कि हमने अगर किसी मिनिस्टर का ही केस है तो हमने इस मिनिस्टर की फेवर नहीं की तो हमें ये रिमूव कर देंगे, हमारी जॉब चली जाएगी, तब तो वो कभी भी अपना डिसीजन पार्शियल वे से नहीं लेंगे, वो हमेशा पार्शियल डिसीजन ही देंगे। बट ऐसा नहीं है, वंस अपॉइंटेड एज जज इट इज नॉट ईजी टू रिमूव द पर्सन। उनको ये चीज का डर नहीं होता कि हमारी जॉब चली जाएगी, ना तो वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर होते हैं, ना प्रेसिडेंट के अंदर, ना रूलिंग पार्टी के अंदर होते हैं। वो अपना काम खुद अपना इंडिपेंडेंट वे से करते हैं, बिकॉज उनको जॉब का डर नहीं होता। फिर उनकी फंक्शनिंग, कभी भी जुडिशरी की फंक्शनिंग पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होती। तो इट मीन्स हमारी कंट्री में जुडिशरी जो है दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट, इट इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सो दिस इज अबाउट होल चैप्टर। अब इसके अलावा इस चैप्टर में से और कोई क्वेश्चन नहीं बनते। वी हैव डन ऑल द ऑर्गन्स एंड यू हैव टू नाउ यू हैव टू रिवाइज ऑल द ऑर्गन्स।